किसान एवं पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी दर्शकों का खीचड़ एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे हर बार कृषि और पशुपालन से संबंधित नई जानकारी, नई तकनीकियों की जानकारी आप सब के सामने हम लेके आते हैं, इस बार भी हम आपके सामने बहुत ही अच्छा गोधन, साहिवाल और राठी नस्ल की, अलग अलग नस्ल की दोनों गायों का पालन करने वाले साथी कलविंदर सिंह, जो गाँव सिरसा डिस्ट्रिक्ट के रूपाणा गाँव के रहने वाले हैं, इनके फार्म पे अभी अपन पहुंचे हैं और आप सबको गायों के दर्शन करवा रहे हैं, तो अपन साथी से मिलते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका एक बार शुभ नाम और आपका ये एड्रेस क्या है, अपने सभी दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए। सर, मेरा नाम कलविंदर है, पिताजी का नाम देवलाल है और गांव रूपाणा खुर्द डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। रूपाणा खुर्द डिस्ट्रिक्ट सिरसा से, ठीक है, हरियाणा से। हरियाणा से, ठीक है। आपने ये गोपालन का काम कब शुरू किया था, किस तरह से आपने शुरू किया और कहां से गायें आप लेके आए, क्या आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में आप पहले हमें बताइए। जी सर, ये हमने लगभग 6 साल पहले काम स्टार्ट किया था। अच्छा, यानी आज से 6 साल पहले है वो जी, काम शुरू किया था, ठीक है। कितनी गायों से शुरू किया और कहाँ से लेके आए थे? जी, हमने 4 गायों से स्टार्ट किया सर। अच्छा, यानी 4 गायों से काम शुरू करके आज से 6 साल पहले, और आज आप लगभग 55 से 60 गायों तक पहुँचे हो। जी सर, जी सर, ठीक है। कहाँ से आप गायें लेके आए थे? ये हम सर बीकानेर साइड से लेके आते हैं, यानी बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जो नोखा महाजन का जो एरिया है, उस फील्ड से आप, उस क्षेत्र से गायें लेके आए थे। और अभी अभी जैसे आपके पास में टोटल कितनी गायें हैं? अभी लगभग टोटल 53-54। अच्छा, 53 से 54, छोटे और बड़े मिला करके टोटल 53-54 पशु हैं। तो जैसे डेली का दूध उत्पादन कितना हो रहा है आपके यहाँ का? दोनों टाइम का लगभग सर 1 क्विंटल 45 किलो है। 1 क्विंटल 45 से 50 किलो के करीब दूध उत्पादन है वो डेली का हो रहा है, सुबह और शाम दोनों टाइम का। तो आपके दूध की मार्केटिंग वगैरह का क्या सिस्टम है, कहाँ पे बेचते हो, क्या करते हो? मार्केटिंग का सर जैसे है, गाँव में है लोकल डेयरी, हाँ जी, वहाँ पे चल रहा है। अच्छा, और लगभग 38 रुपए जा रहा है और ये सिस्टम अपना स्टार्टिंग से वहीं चल रहा है। अच्छा, यानी गांव में डेयरी पे आप दूध है वो सेल करते हो 38 रुपए पर किलो के हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छा गोधन, बड़ी गायों का अलग से इन्होंने शेड बना रखा है, अलग से इन्होंने बाड़ा बना रखा है इन गायों के लिए, गर्मी और सर्दी के लिए या तेज धूप से बचाने के लिए। इधर जो सामने अपने को दिखाई दे रहा है वो अलग शेड है, बाकी खुले मौसम में और स्वस्थ वातावरण में रहने के लिए, रात को रखने के लिए इनके पास में ये खुली जगह है और सारी की सारी गायें हैं वो खुली रखी जाती है। इसी के साथ में छोटे बछड़ों के लिए इन्होंने अलग से शेड बना रखा है, अलग से जगह बना रखी है। चारे के लिए इन्होंने एक सबसे अच्छा सिस्टम कर रखा है, जो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, कि जैसे चारपाई होती है, जो वेस्टेज चारपाई जिसे अपन कह सकते हैं, जो अपने कोई काम में नहीं आ रही, उस पर जाली लगा करके, जैसे मच्छरदानी की तरह जाली आती है, उस जाली को लगा करके और उस पर चारा डालते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि जो बारीक बिल्कुल मिट्टी और जो बारीक उसमें कण होते हैं वो सारे के सारे उससे निकल जाते हैं और पशुओं को अच्छा चारा है वो खाने को मिल जाता है। ऐसे जैसे लगभग 6 महीने से बड़ी उम्र के बछड़े और जो बछड़ियां हैं हीफर्स का जो स्टॉक है, जिन्होंने दूध पीना बंद कर दिया, उनको इन्होंने अलग से रखा है, उनके लिए शेड भी अलग से बनाया गया है। तो पूरा बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसके बाद में इनका जो दूसरा एक इन्होंने शेड अलग से बना रखा है, क्योंकि सारी गायों को एक साथ नहीं रखते, तो अपन विजिट करते हैं दूसरे से। अलग अलग 2 नंदी हैं, तो दोनों नंदियों को अलग 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 गायों के साथ में अलग अलग रखा जाता है, ताकि इनब्रीडिंग ना हो। एक नंदी को बछड़ियों, एक नंदी की जो बछड़ी है उनको उस नंदी से क्रॉस नहीं करवाया जाता, दूसरे नंदी को ये रख रहे हैं। तो बहुत ही शानदार, अपन इनसे मिलते हैं, पूछते हैं और जानते हैं। जैसे कि गायें अपन देख रहे हैं, बहुत ही शानदार लक्षणों के अंदर साहिवाल नस्ल की गायें अपने को दिखाई दे रही है, जो राजस्थान की गाय हैं वो हरियाणा में आकर के और राजस्थान से और ज़्यादा बेहतर यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा दूध उत्पादन दे रही है। तो ये जो आप नंदी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद में जो आगे एक अपने को व्हाइट पैचेज में जो राठी गाय भी दिखाई दे रही है, जो थारपारकर के कैरेक्टर राठी के अंदर ज़्यादा आते हैं, तो वो गाय है वो इस तरह के व्हाइट कलर में अपने को दिखाई देती है। तो एक बार आप भाई साहब थोड़ा सा आके नंदी के बारे में बताइए कि आपका नंदी का क्या रिकॉर्ड है और कहाँ से आप लेकर के आए, किस तरह का बैकग्राउंड है और इनका रिजल्ट आपके पास यहाँ पे कैसा, किस तरह से है? जी, ये हम SLDB से लेके आए हैं, हिसार से। अच्छा, SLDB हिसार से लेके आए थे, कब लेके आए थे? ये लगभग 9-10 महीने के थे, 2
अच्छा, छोटे छोटे आप बछड़े वहाँ से लेकर के आए थे और अभी इनकी उम्र है वो लगभग 4 साल के करीब हो रखी है, तो इनका क्या है रिकॉर्ड दूध उत्पादन वगैरह का आदि सब कुछ? इनका एक का तो है सर 2900 कुछ लीटर। अच्छा 2900 कुछ लीटर। और इस नंदी का? इसका 3200 कुछ है। 3200 कुछ लीटर के करीब इसका है वो रिकॉर्ड है। इसकी बछड़ियां भी आपके यहाँ पे आई हैं क्या? हाँ अभी हाँ जी, हाँ जी। मिल्किंग पे बच्चा दिया इनकी बछड़ियों ने अभी तक? नहीं, अभी तक मिल्किंग पे नहीं आई है। अच्छा अभी तक इनकी बछड़ियों ने बच्चे नहीं दिए, मिल्किंग पे नहीं है, पर गैबिन तो होगी या क्या? नहीं गैबिन नहीं हुई ना। अच्छा अभी गैबिन नहीं हुई क्योंकि ये अभी तो खुद ही बुल है वो 4 ईयर ओल्ड हुए हैं, 4 साल के हुए हैं, तो लगभग साल डेढ़ साल बाद में इनकी बछड़ियाँ आएगी। और करेक्टर वाइज यदि अपन देखते हैं तो सारे के सारे जो गाय हैं बहुत ही अच्छे और शानदार हैं। दूध उत्पादन की यदि अपन बात कर लेते हैं तो आपके जैसे एक गाय का हाइएस्ट मिल्क प्रोडक्शन दूध उत्पादन क्या होगा सर? अपना पीक में 21 प्लस है। अच्छा पीक में गायों का 21 प्लस तक आपके यहाँ का रिकॉर्ड पर डे का है। और बाकी एवरेज गायों का औसतन जैसे लगभग कितना दूध उत्पादन हो रहा है? औसतन सर लगभग 15 प्लस आ रहा है। अच्छा लगभग पूरी गायों का औसतन जो दूध उत्पादन है वो 15 प्लस आ रहा है, तो बहुत ही शानदार है। और एक दिन का जैसे इन्होंने बताया भी था कि लगभग 150 किलोग्राम के करीब है वो दूध हो रहा है। तो आपका आपने कोई घी वगैरह बनाने का या जैसे आजकल चल रहा है कि घी बना करके ऑनलाइन मार्केटिंग का या दूध महंगे रेट पे 70 रुपये 80 रुपये देसी के नाम से इस तरह से या A1 A2 के नाम से, तो इस तरह का कोई आपने प्रयास नहीं किया क्या आज तक? सर किया है पर इस तरह की मार्केटिंग है नहीं अपने यहाँ पे। अच्छा यानी इस क्षेत्र में उस तरह की मार्केटिंग नहीं होने की वजह से जो थोड़ा दूध का रेट है वो आपको डाउन मिल रहा है। तो आज के टाइम में जैसे सबसे बड़ी समस्या है चारे को लेकर के दाने को लेकर के, तो इस चारे और दाने के रेट में क्या आपको पूरा खर्चा है? इस दूध का जो रेट आपको मिल रहा है 38 रुपये पर केजी, तो इसके हिसाब से निकल रहा है क्या अभी तक? सर बिल्कुल नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा क्योंकि ये चारे और दाने के रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और दूध के जो रेट हैं वो इवन अपन कह सकते हैं कि बढ़ने की बजाय तो घट ही रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आजकल मार्केट में जो अपन कह सकते हैं कि मिलावटी दूध या इस तरह का दूध है वो बहुत ज़्यादा आने लगा है। पशुपालक तो क्या जो कंज्यूमर है दूध को खरीदने वाले जो लोग हैं वो पहचान नहीं पाते कभी ये दूध देसी शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उस वजह से जो देसी गायों का जो दूध है उसकी कीमत है वो पशुपालकों को नहीं मिल रही। और हालांकि ये भी देखा गया है कि कुछ जगह या कई राजस्थान के तो ऐसे गाँव भी हैं वहाँ पे पानी की कीमत ज़्यादा है और दूध वहाँ पे सस्ता है, तो ये भी है। एक आपके दाने और चारे में किस तरह का क्या शेड्यूल रहता है, क्या खिलाते हो आप इन पशुओं को जिसकी वजह से ये सब की इतनी अच्छी हाई हेल्थ है और दूध उत्पादन भी आपने जैसे बताया कि 21 प्लस लीटर तक भी आपके यहाँ पे गाय हैं, तो ये सब चीज़ें खान पान और अच्छे मैनेजमेंट